डेली रिक्रूटमेंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज की जो न्यूज जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है वो है स्पेशल हमारे जिन्होंने स्टूडेंट्स ने मेडिकल की है। और ये बात बता दूं, अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, आपका बैकग्राउंड मेडिकल नहीं है, तो क्या हुआ? आपके फ्रेंड्स का तो होगा, आपके फ्रेंड्स में कोई ना कोई तो मेडिकल कर रहा होगा या किसका बैकग्राउंड मेडिकल रहा होगा। तो प्लीज उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में आपको और से हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी इस चैनल पर। हम बताएंगे आपको कौन कौन सी पोस्ट आउट हुई है। सो हम इस पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अधीन हमें ये पोस्ट इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आउट हुई है। इनमें मैं बता दूं आपको तो टोटल 1120 पोस्ट आउट हुई हैं। उनमें से अनरिजर्व 459 है, एससी की 158 है, एसटी की 888 है, 303 हमारी ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की 112 है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी इस पोस्ट के लिए जो उन्होंने बताया है क्या उनके फंक्शंस रहेंगे, वो तो मेडिकल बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट होगा वो अच्छे से समझ पाएगा। ओके, तो बाकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। जो रिक्वायरमेंट्स फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए आपको, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हम आपको ये बता दें कि इस पोस्ट के लिए अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो कब से कर सकते हो आप? 31 दिसंबर से आप अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट डेट क्या है? 31 जन, यानी कि 31 दिसंबर 2021 अप्लाई डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जब हम एप्लीकेशन भर सकते हैं, और लास्ट डेट जो होगी वो 31 जन 2022 होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अप टू 12 PM मोस्टली, है ना? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस पोस्ट के लिए जो स्केल आपको पे का होगा वो होगा आप हमारा 56,000 से लेकर 1,77,000 तक। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 7 CPC देखने को मिलेगी। ओके, तो उसके बाद एज लिमिट कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिनकी उम्र 35 से बिलो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, उसके बाद इंसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पास एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए इन द फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल, जैसा ही मतलब जो मेडिकल के लिए रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले। ओके, उसके साथ साथ आपको इंटर्नशिप भी होनी चाहिए, आपकी कंपल्सरी रोटेटिंग इंटर्नशिप। ओके, जिन्होंने कैंडिडेट्स ने नहीं कंप्लीट की है ये रोटेटिंग इंटर्नशिप, तो उनको उनको भी रिटन एग्जामिनेशन दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि वो जब सिलेक्ट होंगे तो उनको एक सेटिस्फेक्टरी कंप्लीटेड करनी होगी अपनी इंटर्नशिप। डन। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इंटर्नशिप नहीं हुई तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, एग्जाम नहीं दे सकते। दे सकते हो, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपके लिए प्रॉपर इंटर्नशिप आपको कंप्लीट करनी ही होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो नेशनल सिटीजनशिप ये आपको तो कॉमन है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। साथ में आपको बता दूं जो फीस है वो 250 SC ST के लिए और 500 होगी हमारे ऑल अदर कैटेगरीज के लिए। देन मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट आप इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अप्लाई के लिए मैं आपको बता दूं आपकी कौन सी साइट आप यूज कर सकते हैं, www.esic.nis.in, इसका अप्लाई करके आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। और साथ में और क्या बस हम देख सकते हैं इसमें, बाकी उन्होंने अप्लाई के बारे में बताया हुआ है, ये तो कॉमन नॉलेज है। हाँ, ये बता दूं कि हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और मोड सेक्शन कैसा होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो आपका पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू होगा। पहले रिटन एग्जामिनेशन में मेरिट होगी, फिर इंटरव्यू होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और जो आपका सिलेबस होगा है ना, वो उसमें आपको बता दूं कि सेक्शन वन में आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल मेडिसिन ते आपको पेडियाट्रिक्स देखने मिलेगा, यानी कि पेडियाट्रिक्स देखने को मिलेगा। माफ करना अगर मैं सही ना बोल पाया हूं, तो आपको ध्यान में रखना है। जनरल मेडिसिन 1 मार्क पर क्वेश्चन होगा, टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसके भी आपको 1 मार्क पर क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। और सेकंड सेक्शन में आपको सर्जरी है ना, गायनेकोलॉजी, ओके, ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स और प्रिवेंशन और सोशल मेडिसिन आपको देखने को मिलेगा। ये भी 100 मार्क्स का होगा। इसके भी 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और टोटल 34 क्वेश्चन होंगे सर्जरी के। ओके, 33 क्वेश्चन होंगे गायनेकोलॉजी के। उसके बाद प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के आपके 33 क्वेश्चन होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। टोटल 2 आवर्स का एग्जाम होगा। उसके बाद आपको आपका जो अप्लाई करने का इंटरव्यू के लिए जब आप सिलेक्ट होंगे वो ऐसे होंगे, अगर आपकी 1 वैकेंसीज है, ओके, तब कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं? 5। अगर आपकी 3 और मोर है तब 3 टाइम्स बुलाए जाते हैं। अगर आपको ध्यान में रखना है कि अगर 1 1 20 है,
ठीक है, जिन इनमें से जो सिलेक्शन होगी वो इनके मुताबिक होगी कि इसका 3 टाइम्स बुलाया जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। डन, ओके। और पार्ट टू इंटरव्यू का 50 मार्क्स का होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। डन, ओके। पेपर 1 200 मार्क्स का, और पेपर 2 जेड़ा होगा वो इंटरव्यू जो है 50 मार्क्स का होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी तो कॉमन नॉलेज है, ये बात आप देख सकते हैं। डन, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा हमारी जो न्यूज है वो अच्छी लग रही है, और आपको लग रहा है कि इस चैनल पर आपको अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी हासिल हो रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।